भैया जी आपसे ना हो पाएगा, ये हम नहीं खुद तेलंगाना में मुनुगोडो की जनता कह रही थी और अब यही साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से मुनुगोडे से खबर निकलकर सामने आ रही है उसको सुनने के बाद बीजेपी के खेमे में बिल्कुल सन्नाटा नजर आने लगा है। दरअसल मुनुगोडे में चार राउंड की काउंटिंग के बाद टीआरएस प्रत्याशी 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 हजार वोट नहीं, पूरे 26 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। तेलंगाना में मुनुगोडे विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आज पहले चरण की मतगणना में सत्तारूढ़ तेलंगाना यानी राष्ट्रीय समिति टीआरएस अपनी प्रतिद्वंदियों से आगे चल रही है और अपने सबसे बड़े जो प्रतिद्वंदी हैं यानी बीजेपी को करारी मात देने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी बाकी राउंड की जो काउंटिंग है वो बाकी है, लेकिन 26,000 वोटों का जो अंतर है वो अपने आप में बताता है कि टीआरएस की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। आधिकारिक सूत्रों ने यह भी बताया है कि पहले चरण में टीआरएस प्रत्याशी को 6,096 वोट मिले थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उसके निकटतम प्रतिद्वंदी को 4,900 वोट ही मिले और कांग्रेस उम्मीदवार को 1,877 वोट हासिल हुए। मतगणना 15 चरण में पूरी की जाएगी और दोपहर बाद इसके नतीजे आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं नलगोंडा जिले की मुनुगोडे विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को हुए उपचुनाव की मतगणना की प्रक्रिया सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। इस उपचुनाव में 93% से ज्यादा मतदान हुआ है, जिसमें बीजेपी किस पायदान पर आती है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इतनी परसेंटेज में मतगणना होने के बाद अगर टीआरएस को बढ़त मिलती है तो उसका मतलब बीजेपी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा तेलंगाना में, क्योंकि जिस सीट पर चुनाव कराया जा रहा है, जिस सीट पर उपचुनाव ये हो रहे हैं, उस सीट को लेकर काफी मत्थापच्ची की है बीजेपी ने। अगस्त में कांग्रेस विधायक कोमाती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने की वजह से यहां उपचुनाव कराना पड़ा। चुनाव ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि भाजपा और कांग्रेस क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर होंगी। SAS ग्रुप MHR थर्ड विजन रिसर्च एंड सर्विसेज ऑफ त्रिशूल कंसल्टिंग सर्विसेज ने यह भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी और कांग्रेस दूसरे और तीसरे स्थान पर ही सिमट कर रह जाएंगे। मैदान में कुल 47 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला 3 प्रमुख खिलाड़ियों यानी टीआरएस, भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही माना जा रहा है। मौजूदा विधायक कुमाती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने अगस्त में भाजपा में शामिल होने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दिया, जिसके बाद इस उपचुनाव को कराने की नौबत आ गई। रेड्डी अब भाजपा के टिकट पर ही चुनाव रहे हैं, लेकिन यहां पर भी उन्हें बढ़त मिलती हुई नजर नहीं आ रही है जो अभी तक खबर सामने आई है। टीआरएस ने पूर्व विधायक कुसुमतला प्रभाकर रेड्डी को मैदान में उतारा, जो 2018 में राजगोपाल रेड्डी से हार गए थे। कांग्रेस नेता ने पूर्व सांसद पलवई गोवर्धन रेड्डी की बेटी पलवई सरवंती रेड्डी को मैदान में उतारा। मुनुगोडे उपचुनाव ने महत्व हासिल कर लिया, क्योंकि इसके नतीजे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले विजेता को बढ़त दिलाएंगे, यानी जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तेलंगाना का ये चुनाव उन पर बहुत असर डालने वाला है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान आपको बता दें, 3 पार्टियों यानी टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए भी नजर आए। राजनीतिक दलों ने सीट जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, यहां तक कि उन्हें वोटरों को सोने का वादा करते हुए भी देखा गया, ऐसे वीडियो भी सामने आए। और अभी आपको याद होगा कि तेलंगाना में किस तरीके से सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी पर जो आरोप लगाया गया कि बीजेपी के जो कुछ दलाल हैं दिल्ली से आए थे, जो हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने ऑपरेशन लोटस में कामयाब नहीं हो पाए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी पर जिस तरह से बड़ा आरोप लगाया था, उसके बाद पूरी की पूरी सियासत में हलचल मच गई। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के विधायकों को बीजेपी की तरफ से रिश्वत दी गई। केसीआर ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने अब तक 8 सरकारें गिराई हैं और उनकी योजना 4 बाकी सरकारें गिराने की है। केसीआर ने कहा कि बीजेपी की 24 लोगों की एक टीम विभिन्न राज्यों में विधायकों के अवैध शिकार और चुनी हुई सरकारों पर बुलडोजर चलाने पर काम कर रही है। केसीआर ने न्यायपालिका से अपील की कि तेलंगाना के विधायकों के अवैध शिकार का मामला सिर्फ इस राज्य तक सीमित नहीं है, इसके बाकी राज्यों में भी होने की संभावना है।
केसीआर ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस पार्टी के चार विधायकों को पेश करते हुए बीजेपी पर उन्हें खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया। केसीआर ने यह दावा किया कि उनके पास एक घंटे से ज्यादा वक्त के कैमरे के फुटेज मौजूद हैं, जिसमें ये पूरी डील हो रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 5 मिनट का वीडियो भी चलाया, जिसके बाद अब उन्होंने कोर्ट का रुख कर दिया है और न्यायपालिका से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। वीडियो पिछले हफ्ते का ही बताया जा रहा है। वीडियो तेलंगाना के एक फार्म हाउस से सामने आया। राज्य में एक उपचुनाव से पहले ही यानी जो आज नतीजे आ रहे हैं, इस उपचुनाव से पहले इस वीडियो ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। अब ये पूरा मामला जो है वो इतना ज्यादा तूल पकड़ने लगा कि राज्य से राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, क्योंकि बीजेपी पर ऐसा मौका पहली बार नहीं था कि उन पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगा। इससे पहले महाराष्ट्र में वो सफल ऑपरेशन लोटस चला चुके हैं और बिहार में मुंह की खानी पड़ी, लेकिन तेलंगाना में पहले ही केसीआर चेत गए और उन्होंने अपनी सरकार को बचा लिया। केसीआर ने यह भी कहा कि वीडियो इस बात का सबूत है कि फार्म हाउस पर अवैध तरीके से विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही थी। दावा यह भी किया गया कि वीडियो में 20 बार अमित शाह और 3 बार पीएम मोदी का भी जिक्र किया गया। विधायक खरीद फरोख्त मामले में मुख्यमंत्री के आरोपों के बावजूद बीजेपी या पार्टी के किसी बाकी नेता का शामिल होने का आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन जो वीडियो जारी किए गए और जिन वीडियो के आधार पर यह आरोप लगाया गया, अब वो सारे के सारे वीडियो मीडिया से लेकर विपक्षी नेताओं और न्यायपालिका तक पहुंच चुके हैं। न्यायपालिका से देश को बचाने का अनुरोध करते हुए केसीआर कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विपक्षी नेताओं को ये वीडियोस भेजेंगे। भाजपा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही थी। बीजेपी ने आरोपों से फिलहाल इनकार करते हुए घोषणा की कि वो किराए के अभिनेताओं के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग का मंचन कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री का खिंचाई करते हुए कहा था कि ये फार्म हाउस परिवार के भीतर व्याप्त दहशत के स्तर को दर्शाता है। राव ने 2 दिन पहले एक रैली में यह भी कहा था कि दिल्ली के कुछ दलाल तेलंगाना के स्वाभिमान को चुनौती देने आए थे। ऑपरेशन लोटस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक व्यापारी भी था। रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंदा कुमार और सिंघाजी स्वामी को 14 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। 2 नवम्बर को तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिनमें आरोप लगाया गया था कि रामचंद्र भारती और नंद कुमार दोनों भाजपा के हैं। इन्होंने उनसे मुलाकात की और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए 100 करोड़ रुपए की पेशकश भी की, और उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने धमकाया भी कि अगर वो नहीं मानते हैं तो उन पर ईडी और सीबीआई की जो सारी कोशिशें हैं वो की जाएंगी। इससे पहले ही अगर उन्हें यह बात माननी है तो वो मान सकते हैं। शिकायत में यह भी बताया गया कि उन्होंने धमकी भी दी कि जिस तरीके से वो बाकी राज्यों में सरकार गिराने में सफल हुए हैं, इसी तरीके से वो तेलंगाना में भी राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उनका ऑफर स्वीकार कर ले। लेकिन जो आज मुनुगोड़े की जनता इतिहास रचने की तरफ बढ़ रही है और बीजेपी को पूरी तरह से खदेड़ने की तरफ आगे बढ़ रही है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और कुछ ही वक्त में इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि आखिर तेलंगाना के मुनुगोड़े में किसने बाजी मारी है, जिस पर एकदम एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है दोनों पार्टियों की तरफ से। यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तब तक सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए लगातार नेशन 360 के साथ। जय हिंद।